कर, लेकिन एक ट्विस्ट आ गया। जिशान भाई बोल रहे कि अब तो मैं जा रहा हूँ। क्या जाना है? और इन्होंने बताया कि इनका जो टंकी है वो टूट गया है, जैसे कि मेरा टूट गया था। के में डाल देना बस, बाकी तुम सब काम कर लो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम नेपाल में ही हैं। देखिए सामान सारा अभी मैंने बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत सरिया है, बाकी सारा बिखरा हुआ है। अभी हम इसको ठीक करने वाले हैं सामान को। प्लस यहाँ से जाने वाले थे डायरेक्ट पोखर, लेकिन एक ट्विस्ट आ गया। जिशान भाई बोल रहे कि अब तो मैं जा रहा हूँ। जिशान भाई जा रहे हो? क्यों जा रहे हो यार, रुक जाओ, चलो कुछ जुगाड़ लगाते हैं। चलिए ठीक है, एक उम्मीद है कि कुछ इनको बाइक चाहिए। बता, देखो ये सही भी बात है। देखिए आप कितना बड़ा बड़ा दो रक्सैक है, देख रहे होंगे आप। अब इतना बड़ा बड़ा रक्सैक एक ही FZ में आना, प्लस वो रास्ता जो पोखर का है, पोखर के आगे का है, वो डिफ़िकल्ट है भाई। एक ही बाइक पे स्लिपरी रोड है, तो इनका भी कहना सही कि इंडिविजुअल बाइक रहेगी, प्लस एक दूसरे का में हेल्प कर पाएंगे। तो शर्त ये है कि हमें सबसे पहले निरंजन होटल, अरे बॉर्डर पे जाना है वापस। बॉर्डर पे जाके ये देखना है कि क्या वहाँ पर कुछ उपाय लगेगा कि मेरी बाइक वापस आ पाए। अगर नहीं आ पाई तो ईशान भैया वापस इंडिया चले जाएंगे, मैं ट्रिप पे चला जाऊंगा। मन तो नहीं छोड़ने का, लेकिन चलो देखते हैं कि क्या होता है। होटल के रिसेप्शन की तरफ जाते हुए, होटल भी बहुत अच्छा था, सस्ता था, मतलब 600 रुपीज़ में मिल गया इंडियन करेंसी। होटल का नाम है आकाश। आकाश होटल जस्ट आपको बॉर्डर क्रॉस करते ही राइट साइड में दिखेगा। वहाँ पे वापस पहुँच गए जहाँ पर भंसार बनता है। निशान भाई वहाँ पे खड़े हैं, तो पीछे देख रहे होंगे आप लाइन लगा हुआ है। हालांकि कल रात में मुझे लाइन नहीं लगना पड़ा था। चलिए अभी चलते हैं सबसे पहले उस बंदे के पास जो बनाता है कस्टम। एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पर कस्टम बनाने के लिए तैयार तो थे लोग, लेकिन क्या हुआ कि वो बोल रहे हैं कि आगे अगर कभी भी आपका RC चेक हो जाता है तो वो आपकी गाड़ी सीज कर लेंगे, फिर आपको जुर्माना लगेगा। तो हमने सोचा कि ठीक है चलो एक बाइक पर एडजस्ट करते हैं। तो जिशान भाई का तो मुँह थोड़ा सा उतरा हुआ है, लेकिन रेडी है सिर्फ मेरी वजह से, नहीं तो ये वापस जाने के लिए तैयार थे। चलो अब चलते हैं पोखर की तरफ। कस्टम तो नहीं बन पाया, लेकिन हाँ हम करेंसी एक्सचेंज कराने आए हैं। ये है शर्मा जनरल स्टोर, शर्मा एजेंसीज। यहाँ पर आकर आप फ्री में करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो एज इंडियन, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। सो फाइनली हमने पैसे भी एक्सचेंज करा लिए अपने, बैग पैक कर लिया तैयार। अब सवाल ही उठता है कि दोनों एक बाइक पर कैसे एडजस्ट होंगे। गाइस चलो देखते फिर, आप कुछ नहीं सोचना यार, यहाँ से हम निकलेंगे पोखर। तो यहाँ पर जो पेट्रोल का प्राइस है 134 रुपीज़ है। जीरो देखिए 134 रुपीज़ है। तो हाँ इंडिया के हिसाब से हुआ 81 रुपीज़ का लगभग, 81 या 82 रुपीज़ के लगभग हुआ। टंकी हम फुल कराएंगे, इसके बाद पोखर निकलेंगे। आई एम इन नेपाल, मैं नेपाल में एंटर कर चुका हूँ। अब यहाँ की सड़कें नेपाली हैं, यहाँ के गाय, यहाँ की रोड, यहाँ के रास्ते सारे नेपाली हैं। सामने मुझे कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिख रहे हो, सकता है यहाँ पर हमारे भंसार और RC वगैरह और पास वगैरह की चेकिंग हो। तो सबसे पहले मैं वहीं पर रोकूँगा गाड़ी। ये देखिए देखिए हाथ देने लगे भाई, अब तो रोकना ही पड़ेगा। चलिए तो अब कुछ पेपर्स को दिखाया जाता है। क्या जाना है? पोखर। चेकआउट से तो निकल चुके हैं, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर नेपाली पुलिस ने हमारे मोबाइल को रख लिया था। रीज़न बिहाइंड दैट कि वो वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना मना था। सामने का पहाड़ देखिए, ये जो वीडियो है, ये जो कैमरा, ये जो मोबाइल है, ये जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है। मतलब ये पहाड़ बहुत बड़े हैं, शायद इसका वाइड एंगल है लेंथ, इस वजह से आपको छोटे पर छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा है। सिद्ध आप देख पा रहे होंगे, सिद्ध बाबा धाम पहुंच गए। बुटवल में ही सिद्ध बाबा धाम है, लेकिन हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी ना एक्चुअली हमें लंबा जर्नी तय करना है और हमारे पास सिर्फ 5 दिन का और बचा है भंसार। हालांकि हमें ज़्यादा दिन का बनाना चाहिए था, पर प्लान कुछ ऐसा था कि कल ही रात में निकलना है, लेकिन कल रात में निकल नहीं पाए। आप देखिए, ओहो हो, जस्टिफिकेशन दे पा रहा है क्या कैमरा आपको? मुझे तो नहीं पता, लेकिन यस, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ अद्भुत है। हो देखिए खूबसूरत है भाई, खूबसूरत है, देख रहे हैं आप।
एक नदी जो साथ साथ बहती हो और दोनों साइड पहाड़। अरे है वो हो पहाड़ी राइडर्स हमेशा तैयार रहते हैं राइड करने के लिए। देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। तो भाई थोड़ा सा अरे कभी टकरा ही जाता है ये बंदा। बस थोड़ा सा ही जगह था यहाँ से निकले हम। अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। लगभग हमें बुटवल जो पड़ेगा वो 20 किलोमीटर्स पड़ेगा। बुटवल के बाद हम मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे और वहाँ से सीधा निकल जाएंगे हम पोखरा की तरफ। पोखरा का जो मतलब रास्ता है यहाँ से, ये शॉर्टकट वाला रास्ता 180 किलोमीटर वाला है। एक और रास्ता है जो 280 किलोमीटर था। मैंने ये रास्ता चूज़ करने का रीज़न पूरा जाम लगा है। हम यहाँ से निकल पाए, फटाफट निकलना भाई। देखिए ऐसे तो आप देख रहे होंगे कि कितना संकरा रास्ता है, प्लस यहाँ पे जो गाड़ियों की तादाद है बहुत ज़्यादा है। अभी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, देख रहे कितना ख़राब रास्ता है। निशान भाई बोल रहे नीचे में डाल देना बस, बाकी तुम सब काम कर लो। तुम बोलोगे तो हम यहाँ से पैदल चल जाएंगे, लेकिन भाई पैदल कैसे जाने लगे भाई। हट जा कार वाला सिलेरियो को देखो, रेड रंग का अजीब लग रहा मुझे यहाँ पे। मतलब अगर मैं देख रहा हूँ ना लाल रंग के कोई भी नंबर प्लेट्स तो मुझे अजीब लग रहे हैं। यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल को ब्लैक नंबर प्लेट दिया जाता है। देखिए रास्ता कितना ख़राब है, एकदम मतलब समझिए कि नज़दीक रोड के एकदम किनारे पे चल रहे हैं हम। ज़रा सा भी घसके ना तो मामला ख़राब हो सकता है। तो मैं 20 से ही लेना पसंद करूँगा, इस 220 वाले के साथ साथ चलता हूँ। देखिए अब रास्ता थोड़ा सा मतलब भीड़ जो है वो ख़त्म हुआ, लेकिन रास्ता वैसे ही ख़राब है। मज़ा तो आ रहा है स्टिल, अभी बहुत लंबा सफ़र है यार, तो थोड़ा म्यूज़िक भी इंजॉय करना चाहिए। ऑफ रोडिंग। ये करवी रोड मुझे तो यार डाल्टनगंज याद आ गया। और एक तरफ पहाड़ और बगल में नदी, दूसरी तरफ भी पहाड़, बहुत मस्त रास्ता है। मतलब ये करवी रोड मुझे पसंद। फिर ऑफ रोडिंग हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला भाई, पूरा रिहर्सल करवा के मानेगा नेपाल तक का। ओहो ये रोड मैंने एक बार वीडियो में देखा था, एक बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, पर अभी इस रोड का हालत थोड़ा ख़राब हो गया। भैया भी मोहतरमा के साथ और बड़ा मतलब सही लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है चलाना, लेकिन ऑसम भाई ऑसम। मतलब यहाँ पर बुलेट भी आप लेकर आ सकते हो, क्योंकि चढ़ाने और एकदम अरे भाई कहाँ बीच रास्ते में काट दे रहा है यार। ये ट्रक वालों का थोड़ा भरोसा नहीं है। आप नेपाल रही है या दुनिया के किसी भी देश में रही है, थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से भी चलना पड़ेगा, क्योंकि घाटियाँ हैं, तेज भी लग जाएगा ना ट्रक से, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। ये है 20 रुपए का 2 पीस, 20 रुपीज में 2 पीस मिला है मुझे। पहाड़ी इलाका में खाना बहुत महंगा है, इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए, ये महंगाई का हद है। तुम गैंगटॉक जाओ तब 5-6 बजे तक पहुँचेंगे। जी पेपर, हाँ पेपर निकालिए मेरे बैग से। हाँ ऊपर में होगा, हाँ उसको खोलिए, सामने होगा। यहाँ से कितना दूर होगा पोखर भैया? 118 है ना, 118 ये लीजिए। RC है और आपको ये है
गोरखपुर। हाँ अच्छा, कहाँ से आए हैं, मतलब क्या क्या हमको लगा वापस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। भाई सर पोखर पोखर इधर, ये एकदम मसूरी लग रहा है। कोशिश करूंगा कि मैं दिखाऊं, लेकिन सच में 5:03 पे हम पहुंचे हैं नेपाल में, अरे सॉरी पोखरा में। तो अभी तो सबसे पहले रूम सर्च करेंगे, पोखरा भी खूबसूरत जगह है, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं लेक में, सबसे पहले देखते हैं। इसका कितना बोल रहे हो? 800। देख लो आप जूतों का हाल देख लो, मेरा खुद का भी हाल देख लो। इसका कितना बताया भाई? और क्या करना है, फोन ले लिया। तो डे टू का एंड अभी हुआ नहीं है, ये रूम हमने लिया है और रूम बहुत ही फर्स्ट क्लास है। काफ़ी रूम देखा, 3-4 रूम देखने के बाद मुझे ये रूम पसंद आया। वॉशरूम भी सही है, एक नंबर। 2 बेड दिया हमें, ये डबल बेड है ये सिंगल बेड है, बहुत सही लग रहा है। तो अभी पोखरा में पहुँच गए थे हम लोग लगभग 6 बजे, 7:10 हो रहा है, निकल रहे हैं हम लोग थोड़ा सा बाहर में नाइट लाइफ देखने के लिए। तो गाइज मैंने सुना है बहुत कि पोखरा में नाइट लाइफ अच्छी होती है, और प्लस नीचे जो होटल के जो रिसेप्शन पे हैं वो ऑनर ही है, उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर जा सकते हैं, कुछ एड्रेसेस बताए मुझे, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर आप कल रुकेगा तो कल मैं आपके साथ चलूँगा। तो देखते हैं थोड़ा बहुत जो भी एक्सप्लोर कर पाऊँगा पोखरा के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। चलिए चलते हैं फटाफट। तो होटल के अब नीचे आ चुके हैं रिसेप्शन पे, और भुवन भाई यहीं पे हैं। भुवन भाई, तो इन्होंने मेरी बहुत मदद किया है, थैंक यू सो मच भुवन भाई। और होटल का नाम याद रखना, होटल सिटी पैलेस, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, और उसमें भी आपको सारी चीज़ें, नंबर इनका, कार्ड डिटेल सारा डाल दूंगा मैं। गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं पोखरा आया हूँ तो नाइट लाइफ थोड़ा सा इन्जॉय करूँ, तो भैया आप मुझे गाइड करें। आपको नाइट के, रात के 12-1 बजे तक का मतलब इन्जॉयमेंट के लिए बहुत सारे जगह खुली हुई हैं, ये जगह के लिए भैया थोड़ा मज़े लेने जा रहे हैं। हाँ। बहुत मेरे को लग रहा है कि बहुत खुश हो के आएंगे भैया। चलिए ठीक। और भैया अभी कोविड का असर है कि नहीं इधर? अभी कोविड की असर नहीं है, पूरा खुल गया है। पूरा खुल गया है, सब अभी नॉर्मल बन गया है। नॉर्मल बन गया। कितने बजे तक नाइट लाइफ चलती है? नाइट लाइफ होल नाइट चलेगा, होल नाइट क्लब चलेगा, डिस्को चलेगा, डांस बार चलेगा। आपको नेपाली के साथ झूमने के लिए बहुत मतलब अच्छा टाइम मिल गया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच भुवन भाई, वेलकम। अभी यहाँ से ऊपर हमें राइट साइड जाना है, 200 मीटर के बाद लेफ्ट। और नाम क्या बताया आपने? नाम पामे। पामे, तो चलते हैं पामे की तरफ। वाव, हर जगह लिकर शॉप, मजेदार भैया, ये शहर है भाई। वी हैप्पी रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बहुत सारा है यहाँ पे। क्यों पोखरा में ऑर्गेनाइज होता है स्ट्रीट फेस्टिवल, और ये है पोखरा का 23rd स्ट्रीट फेस्टिवल, जहां लोग आपस में मतलब यहां पर काफ़ी सारे शोज होते हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं, लाइव म्यूज़िक चलता है, स्ट्रीट फूड चलता है, मतलब अगर आप रेस्टोरेंट की बात करें तो उसको बोल सकते हैं ओपन रेस्टोरेंट चलता है। बहुत सारे लोग आए हैं, मतलब मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा पोखरा यहीं जमा किया गया है। काफ़ी हद तक पुलिस भी यहाँ पर अभी है ताकि चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखे। सारी गलियों में भी जैसे ही, जैसे मतलब हमारे झारखंड में होता ना कोविड वोविड आने से पूरे स्ट्रीट्स को बंद कर दिया जाता है, या फिर होली वगैरह दिवाली में, तो वैसा ही हो रहा है यहाँ पर भी, तो विच इज़ रियली गुड। सो लेट्स सी। तो फाइनली एक रेस्टोरेंट मिला है जहाँ हम लोग खाना भी खा सकते हैं और कुछ म्यूज़िक का भी आनंद ले सकते हैं। तो डाल देंगे
ना क्या है फोन तुम्हारे। अभी यहाँ पे लाइव म्यूजिक होता है अभी लोग रुके नेक्स्ट गाने के लिए, फुटबॉल भी चल रहा है बहुत फुल ऑन मस्ती चल रही है भाई, फुल ऑन मस्ती, कैंडल लाइट डिनर चल रहा है हमारा और भाई का। आपको यहाँ पर म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर एक कार है जिसको अच्छे से डेकोरेट कर लिया है इन्होंने और ये विंटेज कार लग रही है, कोई खूबसूरत है यार। लेक एकदम साफ साफ दिख रहा है यार, शायद अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रात है, लेकिन मैं कुछ हल्कियाँ कोशिश करूँगा जूम करके दिखाने की आपको। तो देखा आपने कि यहाँ के रोड, यहाँ की स्ट्रीट्स कितने प्यारे लोगों और टैलेंटेड लोगों से भरी है। लोग ऐसे भी अपनी लिवलीहुड अर्निंग्स करते हैं और अपने टैलेंट्स को दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गिटारिस्ट मिले मुझे जो मतलब स्ट्रीट शो पर अभी आज ही परफॉर्म कर रहे हैं। वाह खूबसूरत, तो भाई नाइट लाइफ तो आपने देखी। अभी हम होटल पहुंच रहे हैं, होटल पहुंच के मैं सारी स्टोरी बताता हूँ।
हे गाइस, तो देखा आपने नेपाल में कैसे लोग रहते हैं, नाइट लाइफ कैसी है। अभी रात के बज गए हैं 11:40, ठीक है। हम लगभग 5.5 घंटा हमने वहाँ पर टाइम स्पेंड किया पोखरा में। पोखरा की नाइट लाइफ स्टाइल आपने देखी, कितना खूबसूरत, मतलब कितने खूबसूरत तरीके से उसे सजाया गया। वो शहर ही बहुत अच्छे तरीके से है, सब कुछ वहाँ पे, क्लब्स, पब, आपको रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं। मज़ा आ गया बिल्कुल, एकदम चकाचक, और लोग फुल ऑन मस्ती में थे। ऑब्वियसली मैं आपको पूरा पोखरा तो नहीं दिखा पाया, लेकिन जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया मैंने पोखरा की लाइफ स्टाइल और यहाँ के लोगों को उतना दिखाने की कोशिश की, ठीक है। हाउएवर मैं आपको बता दूँ कि जो वहाँ पर आपको अल्कोहल, शराब वगैरह, बियर, सिगरेट्स, आपको फिर हुक्का वगैरह दिख रहा था, ये सब सारी चीज़ें दिख रही थी। लेकिन मेरे किसी भी ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैं इन सब चीज़ों को कंज्यूम नहीं करता या इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। ये पहला ब्लॉग है जिसमें हम ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। देखिए, एज ए ब्लॉगर मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपको यहाँ के लाइफ स्टाइल के अच्छे तरीके से दिखाऊँ, कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के लाइफ लोग जो है अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे जीते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं इन सब चीज़ों को कंज्यूम नहीं करता, किसी भी चीज़ को ना मैं प्रमोट करता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब समय सोने का मेरे, कल प्लानिंग जो है एज पर प्लानिंग चल रही है। तो गुड नाइट, अभी मैं जाऊँगा थोड़ा अपनी वीडियोज़ को एडिट करूँगा। थैंक यू सो मच।